हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मैं जयपुर आया था और आज का मेरा स्टैंड अप का शो है, तो वहीं चल रहे हैं। गाइस, ये तुम्हारे भाई का आउटफिट और हमारे भाई साहब खड़े हैं हमारे साथ। भाई मज़ा आएगा, है क्या है? कितनी गई है? कितनी गई है? बड़े गई तो बहुत है भाई, को तो गिनती क्यों है भाई। माउंट आबू तक गई है, सिर्फ गई है, जयपुर से माउंट आबू तक की गई। छोरी छोरी दिया ट्रेन थी ने बताया दे चल जाए भाई। और के काट के यहां को जाओगी वीडियो कंप्यूटर को, ये है ना बात। बट ये क्लिप, ये मीम्स काटूंगा मैं, इसकी मीम्स बनेगी, इसके पापा को भेजी जाए, ये मीम्स कटेगी, काट के इसे जल्दी इसके पापा को भेजी जाए। वो इंसान आएगा जो सबसे ज्यादा धूप में खड़ा है बंदा, अभी उसने बहुत मेहनत करी है, वो इतनी मेहनत करी है, वो तप तप के वकील बन गया, तप तप के वकील ही बन रहा है, कोर्ट जैसा उसका कोर्ट है वैसा वो खुद है, वैसा वो खुद बन गया। सो गाइस, हम आ चुके हैं, अभी हम लोग बटन में है, दोनों भाई वेट कर रहे हैं, दो बंदे हो रहे हैं हमारे, अंदर सिंगिंग कर रही है कोई ब्यूटीफुल लड़की होगी कोई, अंदर सिंगिंग कर रही है। तो ये मैं कैमरा अभी व्लॉगिंग का सारा सिस्टम भाई के हाथ पकड़ाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट फ्री नाउ। तो भाई आज का व्लॉग तुम्हारा भाई करेगा ये पूरा। आज भाई आया हरियाणा से यहाँ पे, भाई को फुल सपोर्ट करना है तुम्हें भाई, फुल शेयर करना है इस व्लॉग को। आधा कदम मैं करूंगा, मैं तारीफ करूंगा। अब अर्जुन आया कुछ लोग ज्यादा ही हुआ, ज्यादा गया भाई। धुरंधर का जी रथ का मारा है जी गाढ़ा मारे विराजमान से। अगर कोई पीछे भाई साहब, तो एक भी एक बार तालियां बजाइए अपनी। सुहेल खान हमारे साथ स्टैंड अप करेंगे, एंड प्लीज आप सभी ज्वाइन कीजिए। आप सब जानते हो मुझे? नहीं नहीं, अभी हाल ही में मैं वो करके आया हूँ, एनडी शो की। हैं? देखा नहीं? अरे यार, पर्दे के पीछे उगाने में बजाना था कि बहुत कुछ बर्बाद बाकी हो गया। बहुत बड़े भाई, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग होते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं होता और सडनली उसके पास पैसा आ जाता है, तो उसको अपनी औकात करना चाहिए। एक्चुअली ना, शो ज्यादा करते हैं लड़के, ऐसा ही मैंने भी करके एक बार इंस्टाग्राम पर लड़की मिली, तो कहती है अच्छा फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है भाई, पैसे तो मैं नहीं देता, लेकिन कोई ना फिल्म देखने चलते हैं। मैंने बुला लिया गुड़गांव इंडियंस मॉल में फिल्म देखने के लिए। अब भाई साहब अकाउंट में पड़े 400 रुपए। अब कई लोग क्या होते हैं ना, अपने पैर पे खुद खड़ा नहीं पाते, अंदर जाकर घरों कुछ खाएंगे चलिया, यदि हाँ मंगा उसके एक महीने बाद लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, बोला यस, कहते 20,000 रुपये चाहिए। जो मैंने लड़की को ब्लॉक कर दिया भाई, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ज्यादा यहाँ पे आए और आपने बात ही नहीं कि प्रैक्टिस करे या ना करे, बात ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति बात करे तो औकात में रहे। ठीक है भाई, ये बात चाहिए तो लाइक करना, व्लॉग चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बहुत बढ़िया मिले सारे, क्या मौसम हो गया यार। तो भाई ये मकान खरीद लिया पढ़ने, इधर देखा मेरी तरफ, मकान खरीद लिया पढ़ने, औकात में रहना सारी मेन चीज है, औकात में रहना चाहिए, औकात से बाहर जाओगे तो बहुत बुरा कटेगा। हाँ भाई चले, क्या क्या खाओगे? मुस्लिम होटल, होटल ढाबे पे चल जाओ, औकात से बाहर मत जा। मैंने क्या बताया अभी कॉमेडी में? हाँ जी गाइस, हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है और अभी मैं घर पे आ गया भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं ये नहीं कह सकता मैंने फर्स्ट टाइम स्टैंड अप किया है, कोई मेरे पास नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, कैसी पब्लिक होती है, कैसे बात करते, बट मेरे को आज पता चल गया आई थिंक आई नीड सम इम्प्रूव माई स्किल्स, बट ये नहीं कह सकते कि गलत भी है, चलो ठीक है, बट मेरा फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैंने जो बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनके कुछ कुछ मैंने कॉमेडी के जो पॉइंट्स थे वो मैंने कॉपी किए थे, देखो झूठ नहीं बोला,
वो मैंने कुछ कॉपी किए थे, कुछ मेरी लाइफ से रिलेटेड मैंने बनाए थे, बट यही है जो थी चीज़ मैंने सब कुछ बता दिया। भाई व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं कराया, एंड मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बढ़िया बढ़िया व्लॉग लेके आने वाला हूँ, बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना।